अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक 14.6 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। यह है पेज नंबर 99 पर। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, यानी ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, यानी इंक्रीज़ कैसे होती है, डिक्रीज़ कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जिस तरह एक वाटर पाइप है, वाटर पाइप का डिपेंड करती है उस पाइप की लेंथ पे भी, पाइप का जो चौड़ाई है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है। अब जो शॉर्टर पाइप है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी वाटर इजीली फ्लो कर सकेगा, लेकिन अगर पाइप की लेंथ ज़्यादा है तो पाइप वाटर इतनी इजीली फ्लो नहीं कर सकेगा, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसीलिए इसी तरह जो एरिया है एरिया पे भी डिपेंड करती है। सेम यही केस है रेजिस्टेंस का भी वायर के लिहाज से। अगर हम वायर की बात करें और करंट उसके अंदर फ्लो कर रही है तो करंट भी डिपेंड, जो रेजिस्टेंस ऑफ करंट है या रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर और एरिया पे भी और टेम्परेचर पे भी। जो जो फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर, लेंथ और एरिया। टेम्परेचर इंक्रीज़, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती जाती है, वो इस वजह से कि मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होती जाती है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मूव करना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से इनके आपस में कोलिजन ज़्यादा होती है और इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। इसी तरह लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। अब लेंथ, वायर की लेंथ, अगर हम एक वायर लेते हैं, कॉपर वायर है या स्टील वायर है, कोई भी वायर है, उसके वो लें, अगर उसकी लेंथ इंक्रीज़ करेंगे वायर की तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, अगर लेंथ डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी। यानी लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पर डायरेक्टली। अगर हम लेंथ ऑफ वायर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, अगर लेंथ ऑफ वायर को हम हाफ़ कर दें तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। इंपॉर्टेंट MCQs है ये। इफ़ वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डबल्ड, एंड इफ़ इट्स लेंथ इज़ हाफ इट्स रेजिस्टेंस वुड बिकम वन हाफ। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी MCQs है ये, आता है अमूमन। नेक्स्ट है एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ वायर। अगर हम एरिया वायर एरिया ज़्यादा लें, यानी ज़्यादा एरिया की वायर लें तो रेजिस्टेंस कम होगी, यानी एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा होगी, और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इस तरह अगर हम एरिया हाफ़ कर देते हैं तो ये इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें, यानी ये रेजिस्टेंस और लेंथ को और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हमारे पास आता है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस लेंथ ओवर एरिया आ जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म होता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर हम ले लें लेंथ वायर जो है वो, अगर हम 1 मीटर लें और एरिया हम ले लें 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो जो रेजिस्टेंस होगी 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट है ओम मीटर है, और ये था टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स पेज नंबर 100 पे। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को अलाउ करते हैं, कि करंट पास कर जाए। जो तमाम मटीरियल जो मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिसके अंदर से करंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर इजीली पास हो सकता है। इसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न होती है कि जो हमारे पास मेटल्स हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड नहीं होते, वो इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं एक तमाम डायरेक्शंस में, और ये फ्री मूव कर सकते हैं। जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो क्या होता है, ये एक डायरेक्शन में, किसी खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक खास डायरेक्शन के अंदर, एक
जब हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करेंगे, जैसे करंट अप्लाई किए हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फील करंट जो है फ्लो करना शुरू हो जाएगा मेटालिक वायर स्पेशली, क्योंकि मेटालिक वायर जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं, स्टील वायर, कॉपर वायर, ये गुड कंडक्टर्स हैं। अब जो रेजिस्टेंस है इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कुलायंस इंक्रीज़ हो जाएंगी। कुलायंस इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि आपस में टकराएंगे जब, तो इनके रेजिस्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, तो कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस दी गई है, सिल्वर 1.7, कॉपर 1.69, एल्यूमिनियम 2.75, टंगस्टन, प्लैटिनम, आयरन, नाइक्रोम, ग्रेफाइट, इन सब की रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दी गई है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं ये कि सिल्वर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, कॉपर या एल्यूमिनियम, इनकी अमूमन आती है एमसीक्यूज़ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कौन से मटेरियल होते हैं? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर से करंटली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, जैसे ग्लास, वुड, रबर, ये सारे इंसुलेटर्स हैं, इनके अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। रीज़न इसकी ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, अगर हम इसमें करंट अप्लाई कर भी दें तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो जिस वजह से करंट इसके अंदर मूव फ्लो नहीं कर सकती। और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इंसुलेटर्स होते हैं वो चार्ज कर सकते हैं, उसके अंदर जो उसके ऊपर चार्ज होता है स्टैटिक चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस करवा सकते हैं। जो मोस्ट बाकी एग्जांपल्स हैं ग्लास है, वुड, प्लास्टिक, फर, सिल्क, ये सारी हमारे पास इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स हैं।